हेलो एवरीवन, पेंटेड की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस 10 साल पुराने हीरो प्लेजर को रिस्टोर करेंगे, उसका फुल पेंट करेंगे और जो भी पार्ट्स टूटा हुआ है उसको हम चेंज करेंगे। तो इस स्कूटी का हालत थोड़ा ख़राब है, इसका बहुत सारे पार्ट टूटे हुए हैं और कलर पूरा ख़राब हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और कई पार्ट टूटे हुए हैं। तो जो पार्ट हम रिपेयर कर सकते हैं वो रिपेयर करेंगे, बाकी पार्ट हम नया यूज़ करेंगे, लेकिन नए पार्ट में भी हम कलर करेंगे। क्यों करेंगे ये हम बाद में आपको बताएंगे। तो स्कूटी के बहुत सारे जगह पे रस्टिंग हो गया है और जो ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स है वो भी एकदम फेड हो गया है। तो चलिए पहले हम स्कूटी को खोल लेते हैं, पूरा डिसमेंटल कर लेते हैं, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको प्रोसेस पूरा समझाता हूँ। तो हमने स्कूटी को पूरा खोल लिया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक वाला प्लास्टिक पार्ट्स ख़त्म है, कलर एकदम फेड हो गया है और कई पार्ट टूटे हुए हैं। तो टूटे हुए पार्ट को हम रिप्लेस करेंगे, जैसे कि ये वाला पार्ट, ये हमने नया ख़रीदा है, ये देखिए, लेकिन हम इस पर फिर से कलर करेंगे। क्यों करेंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहले हम इसका स्टिकर को उतार लेते हैं, हम स्टिकर बाद में लगाएंगे नया वाला, और स्टिकर कुछ अलग तरीके से लगाएंगे, क्लियर कोट के अंदर रहेगा स्टिकर, ऐसे ऊपर नहीं रहेगा। तो अभी मैं इस पार्ट को सेंडिंग कर रहा हूँ, तो आप गौर से देखिएगा, जब मैं सेंडिंग कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में देखिए एक कलर उठ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सॉलिड कलर है, इस पर अलग से क्लियर कोट नहीं रहता, ये सस्ता वाला कलर है और इस पर क्लियर कोट अलग से नहीं रहता, इसलिए सेंडिंग के बाद इससे कलर उठ रहा है। और हम जो अभी कलर कर रहे हैं ये 2K सिस्टम कलर कोट है, इसमें बेस कोट और क्लियर कोट अलग अलग रहता है। तो ये हमारा पुराना वाला पार्ट है जिसको हमने अच्छी तरीके से सैंडिंग कर लिया है, तो इसके ऊपर प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस पर बेस कोट मारेंगे। तो हमने प्राइमर इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें प्लास्टिक का जो पार्ट है वो नहीं निकला है, पुराना वाला जो पेंट और प्राइमर है वो ठीक था, इसलिए हमने डायरेक्ट बेस कोट मारा है। अगर प्लास्टिक निकल जाता तो हमको पहले प्राइमर मारना पड़ता, फिर बेस कोट, फिर क्लियर कोट मारना पड़ता। हमने इसका और एक पार्ट खरीदा है नया, लेकिन वो दूसरे कलर में मिला, देखिए ये सिल्वर कलर का है, ये ख़रीदा था, इस पे भी हम डायरेक्ट बेस कोट अप्लाई करेंगे सैंडिंग के बाद, उसके बाद क्लियर कोट अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ जो कलर यूज़ कर रहा हूँ वो है वेनेटियन रेड, ये टाटा का कलर शेड है, और जो कलर है ये मेटेलिक कलर है, जो सॉलिड कलर कंपनी दिए थे उससे ये कम से कम 6 गुना महंगा कलर है। तो यहीं पे रेट का डिफरेंस आ जाता है, कंपनी कॉस्ट कटिंग के लिए थोड़ा सस्ता कलर यूज़ करते हैं, हम ज़्यादा लॉन्गजिविटी के लिए अच्छा वाला कलर यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट में। तो अभी बेस कोट के ऊपर मैं अभी स्टिकर अप्लाई कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं क्लियर कोट अप्लाई करूँगा, तो इससे क्या होगा, जो स्टिकर है वो क्लियर कोट के अंदर रहेगा, उससे क्या होगा, स्टिकर जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा और स्टिकर में एक एक्स्ट्रा ग्लॉस रहेगा। और सभी लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कौन सा ब्रांड का कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बोल दूँ मैं यहाँ पे PPG का 2K नेक्सा ऑटो कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं जितना भी ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स है उसमें पहले प्लास्टिक प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ, प्लास्टिक प्राइमर के बाद मैं यहाँ पे सॉलिड सैटिन ब्लैक कलर यूज़ करूँगा। तो ये है मेरा नया स्टूडेंट डिटेलिंग का, मेरा वाइफ है, तो अभी उसको भी काम सीख रहा हूँ डिटेलिंग का, उसको बहुत शौक है डिटेलिंग करने का। तो पहले हमने सभी पार्टों को 2000 ग्रिड के सैंडपेपर से अच्छी तरह से सैंडिंग किया है, उसके बाद हमने 2-स्टेप कंपाउंडिंग फॉलो किया है। तो चलिए स्कूटी का फाइनल लुक देख लेते हैं कि स्कूटी कैसा बना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो एक लाइक कर देना।